जो भी लोग मैच से ज्यादा विराट कोहली और नवीन उलहक की फाइट देखने आ गए थे उनका बहुत ही प्यारी तरीके से काटा गया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और ये साला नवीन बहुत ही हरामी बंदा है, इसको भी पहले से पता चल गया था कि आज इसकी गेम बजने वाली है, तो पहले से ही किंग से सॉरी बोल देता हूँ। चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ, देखो कितने प्यार से दोनों गले मिल रहे हैं। अब तो विलियन सम भी बैठ के सोच रहा होगा कि कोहली भैया मेरी क्या गलती थी फिर, मुझे क्यों तोड़ा। और हमारे चीकू भैया का तो क्या ही कहना, 2019 में स्टीवन स्मिथ के लिए भी लोगों को चुप रहने की अपील कर रहे थे एंड इस बार नवीन उलहक के लिए पूरे क्राउड को चुप रहने की अपील कर रहे थे। आप उसका सबसे पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए। और गौतम गंभीर ने भी विराट कोहली की इस जेस्चर के ऊपर बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, आप उनका एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। And which is why us wo jo baat Naveen aur Virat ke beech mein which was nice smiles and handshakes lekin even said that after that Virat looked at the crowd and said ki stop it you know mat kariye fabulous that's a great gesture and I hope ki yahan se aage aane wale matches mein aur har venue mein Virat ka ye gesture dekhega crowd kyunki ek khiladi bahut mehnat karke ground tak aata hai apne desh ke liye khelta hai IPL mein khelta hai ek professional cricketer banta hai bahut logo ke sacrifice hai uske sath aapne kabhi zambi ground pe aake wo experience nahi dekha तो अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको क्रिटिसाइज भी मत करिए। आप अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करिए, आपके पास पूरा राइट है, लेकिन आपके पास कोई और राइट नहीं दूसरे को क्रिटिसाइज करने का। तो मेरा मानना है कि हम बेहतर बिहेवियर देखेंगे सिर्फ एक खिलाड़ी के नहीं सबके खिलाफ। आप सपोर्ट करिए, जी खोल के सपोर्ट करिए, लेकिन लेट्स बी बेटर एंबेसडर ऑफ अ नेशन बिकॉज हम यहाँ पर वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम बाकी खिलाड़ियों के जो देश के खिलाड़ी हैं वो यहाँ से क्या मेमोरीज लेके जा सकते हैं। अगर वो अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे तो वो बेहतर बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे हमारे देश के बारे में और यही हम सब चाहते हैं। इट्स अ ग्लोबल इवेंट एंड सिर्फ क्रिकेटर्स का, सिर्फ एक्सपर्ट्स का, सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का और मीडिया का यहाँ पर रोल नहीं है, जितने फैंस हैं उन सब का रोल है कि आप अपने देश की क्या इमेज देश से बाहर भिजवाना चाहते हैं। तो लेट्स बी ऑल एम्बेसडर ऑफ दिस गेम।